वेदिका किचन किंग में आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे वेज नूडल्स, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही आसानी तरीके से हम बना सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए देखिए, हमने चूल्हे में ईंधन को जला लिया है। अब हमने इस पर रख दिया कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालते हैं पानी। हम एक चम्मच नमक डाल देंगे। देखिए हमने दो पैकेट नूडल्स ले लिया है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए एक पैकेट और ले लेते हैं। पानी हमारा उबलने लगेगा तब हम डालेंगे नूडल्स। और नूडल्स को ज़्यादा देर तक नहीं उबालेंगे, 5 से 6 मिनट तक उबालेंगे। देखिए इसको पानी में हमें अच्छे से डुबो लेना है। थोड़ा सा हम तेल डाल लेंगे ताकि नूडल्स आपस में चिपके ना। तब तक हम शिमला मिर्च काट लेते हैं। शिमला मिर्च को हम बिल्कुल पतले पतले काटेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, छुट्टी के दिन तो बच्चे अक्सर डिमांड करते हैं कुछ नया चीज खाने का, तो हमने सोचा आज हम नूडल्स बना लेते हैं बच्चों के लिए। देखिए नूडल्स इधर उबल चुका है। अब हम नूडल्स को नीचे उतार लेते हैं और इसको छन्नी में छान लेंगे। इसके ऊपर से हम ठंडा पानी डाल लेंगे ताकि नूडल्स जो आपस में चिपके ना। इधर हम प्याज भी काट लेते हैं। प्याज को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। हरी मिर्च भी काट लेते हैं। फिर से हम कढ़ाई रख देते हैं। देखिए हम थोड़ा सा हाथ में तेल ले लेंगे और नूडल्स में अच्छे से लगा लेते हैं ताकि जब नूडल्स को फ्राई करें तो ये चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं तेल, डालते हैं हरी मिर्च, कटे हुए प्याज भी डाल लेंगे। और प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। इसमें हमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है। डालते हैं हरी मटर। डालते हैं कटे हुए शिमला मिर्च और इसे अच्छे से भून लेते हैं। शिमला मिर्च हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम डालते हैं नमक। नमक हम आधा चम्मच डालेंगे। डालते हैं लाल मिर्च पाउडर और इसको अच्छे से मिला लेते हैं।
दो चम्मच डालेंगे विनेगर और दो चम्मच डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस डालने से नूडल्स का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दो से तीन चम्मच डालेंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप डालने से बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे, इसीलिए हमने ज़्यादा तीखा नहीं बनाया। देखिए अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे उबले हुए नूडल्स। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं नूडल्स और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हम तब तक मिलाएंगे जब तक कि पूरे नूडल्स में कलर अच्छे से ना आ जाए। थोड़े से नूडल्स और बचे हैं वो भी हम डाल लेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा हम डालते हैं मैगी मसाला। मैगी मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। देखिए हम इसको यूं ही चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना। देखिए आप देख सकते हैं नूडल्स का कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है। देखने में इतना अच्छा लग रहा है, इतना ही खाने में भी टेस्टी लगेगा। नूडल्स हमारा बन के तैयार है। अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं और हम इसे एक प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नूडल्स बना है, बिल्कुल चिपका नहीं है ये। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि हम नूडल्स जब उबालेंगे उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। नूडल्स उबलने के बाद हम ठंडा पानी डालेंगे, उससे भी हमारे नूडल्स चिपकेंगे नहीं। इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। नूडल्स हमारा बन के तैयार है। आप देख सकते हैं देखने में इतना अच्छा लग रहा है, इतना ही खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।